मध्य प्रदेश के विकासखंड घोरा डोंगरी अंतर्गत ग्राम चोपंडाना में विद्युतीकरण का अनियमित बरती जा रही थी, जिसका कारण था ट्रांसफार्मर जलना। इस मुद्दे को लेकर के मैंने अगस्त 2015 में इस वीडियो बनाया था। हमारे यहाँ लाइट होने से दिक्कत ये है कि बच्चे लोग को पढ़ाई भी नहीं होता, लाइट नहीं होने का कारण तो मट्टी तेल भी नहीं मिल रहा, तो कैसे पढ़ाएं बच्चे को। अरे ये पानी काजी के समय में रात में घर पे उजाला होना जरूरी है, क्योंकि कीचड़ पानी में बच्चे लोग घूमते फिरते तो हाथ पैर में क्या मालूम कौन सा कीड़ा लग जाए कि ना लग जाए। तो बारिश पानी में तो उजाला होना घर पर। लाइट का व्यवस्था कैसा? हमारे यहाँ 3 महीने से ट्रांसफार्म खराब हुआ है, तो इस कारण हम इसका समस्या वहाँ लाइनमैन तक पहुँचाया था। 1 महीना और 15 दिन का लग जाएगा, गाड़ी नहीं मिल रहा है तो आपको अगले बुधवार तक पहुँच जाएगा बोले। पर इस प्रकार के समस्या चल रहा हमारे यहाँ। इसको अपने ढंग एवं समुदाय के लोगों के साथ संघर्ष करके मैंने विद्युत कार्यालय घोरा डोंगरी गया, वहाँ आवेदन दे करके उनको विज्ञापन दिया। तो इसमें आपने कैसा सफल पाया? अब इसका सफल हम हमारे पुराने वो पंच था, हमारे पंच के नाम से जानता हूँ उसको, मोहन लवेशकर, तो उससे जानकारी लिया। उसके बाद में फिर हमारे ग्राम चौपंडाना से 3-4 बुजुर्ग को लेके और बिजली ऑफिस में मोहन द्वारा हम लोग को साथ दिया और बिजली ऑफिस में अप्लीकेशन दिया। उसके बाद में फिर लाइन ड्रेस फार्म में आ चुका। अब लग गया तुम्हारे यहाँ बिजली? हाँ लग चुका, अभी तो बिजली चल रहा है। ग्राम चौपंडाना में विद्युतीकरण का ट्रांसफार्म जो जला था वो लगा दिया गया है। मैं मोहनलाल मध्य प्रदेश से ग्राम चौपंडाना से इंडिया यूनहर्ड के लिए।